दोस्तों, आज हम क्रिएट करने वाले हैं 2D टू 3D मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इस टेक्निक को सीखकर जस्ट एक इफेक्ट के साथ आप अपने टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को या फिर आपकी इमेज को भी, 2D इमेज को भी 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, 3D मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले, जैसा भी आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा टेक्स्ट लेयर यहाँ पे रेडी है। मैंने यहाँ पे इसको एज ए कहते हैं यूट्यूब का जैसे स्टिकर बना हुआ हो टेक्स्ट का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जस्ट खाली यहाँ पे जो कहते हैं ट्रैकिंग कम किया, ताकि एक दूसरे से चिपके रहें और एक स्टिकर जैसा इफेक्ट मेरे लिए जनरेट करे, क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, जस्ट और जस्ट टेक्स्ट का ही मुझे रखना है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका ट्रैकिंग यहाँ पे कम किया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 नंबर की फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट लेयर उसका रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको की दे देता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा हूँ वो है -270। ठीक है, अब ये जो सारी वैल्यूज दे रहा हूँ वो मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से मैंने वैल्यूज दी हैं, आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हो गाइस, और आगे जाके आप जब चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 90। ठीक है, तो मैंने कुछ इस हिसाब से इसकी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है बराबर, तो आप भी अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ मेन लेयर के अंदर, और मेन लेयर में आने के बाद मुझे क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट वाला कॉम्प था बराबर है, उस कॉम्प को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके आता हूँ मेरे मेन कॉम्प के अंदर, और यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड वाला कॉम्प ऑलरेडी रेडी है जहाँ पे मैंने कलर अप्लाई किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको एनिमेट करना है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या दिखाना है कि भाई ये फ्लाई होते हुए यहाँ से यहाँ बाहर निकलने वाला है। बेसिकली हम जो क्रिएट कर रहे हैं फ्लाइंग 2D टू 3D मोशन ग्राफिक्स, सो ये जस्ट एक फ्लाई वाला इफेक्ट हमें करना है क्रिएट। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पोजीशन ओपन कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे की दे रहा हूँ। तो सबसे पहले की में क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर पे एक की अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर सिंगल सिंगल सी पोजीशन के लिए आप स्टार्ट टू एंड भी जा सकते हो, फिर मैं सेंटर से अप्लाई कर रहा हूँ। अब 0 नंबर के फ्रेम पे आता हूँ और इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ इस हिसाब से बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ से पूरा कंपोजिशन से मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। सेम मैं अभी एंड वाली की फ्रेम के ऊपर भी जा रहा हूँ और क्या करूंगा, उसको मैं यहाँ से भी कुछ इस हिसाब से पूरा का पूरा बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, अब इन सारी चीज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ तो इजी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ग्राफ एडिटर में जाना है और यहाँ पे जो ये मेरे सेंटर वाला की है उसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे जो टेंजेंट जनरेट हुए उसको मैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। इससे होगा कि एक हल्का सा होल्ड मिलेगा, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा, चाहे वो मेरा ग्राफिक्स हो, टेक्स्ट हो या इमेज हो, वो थोड़ा यहाँ पे एक पॉज वाला मोमेंट लेगा और फिर वो आगे ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इससे हम बाहर चले आते हैं और अब ये मेरा एनिमेशन यहाँ तक का हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन वाला एनिमेट यहाँ पे हो चुका है। अब थोड़ा पोजीशन को मैनिपुलेट करते, एकदम लीनियर वाला ग्राफ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आता और इसको क्लिक करता हूँ, ताकि देखो अभी कुछ टेंजेंट यहाँ पे जनरेट हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस टेंजेंट को कुछ यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ, और इस वाले को हल्का सा मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी कंट्रोल जेड करते हैं और ऑल्ट दबा दो, कंट्रोल एंड ऑल्ट, तो आप क्या कर पाओगे, इसको ब्रेक जब कर पाओगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसको ब्रेक कर दिया, तो आप चाहो उस हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको टर्न कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे इसको इस हिसाब से बना दिया है, तो मेरा ये पाथ बन चुका है। तो अब क्या होगा, इसको एक रियलिस्टिक लाइफ वाला मोशन मिलेगा, कि एकदम लीनियर कुछ भी हमारा मोशन रियल लाइफ में नहीं होता है, थोड़ा कर्वी मोशन होता है हमारा रियल लाइफ के अंदर। तो भाई यहाँ तक का हमारा मोशन तो जनरेट हो गया, पर जैसे हमने डिस्कस किया, हम यहाँ पे 2D मोशन ग्राफिक्स को 3D मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, तो 2D टेक्स्ट एनिमेशन को 3D टेक्स्ट एनिमेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं इफेक्ट में और यहाँ पे पर्सपेक्टिव का जो ऑप्शन है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे CC सिलेंडर। तो जैसे ही आपने चूज किया, आप देखो बहुत ही बेटर तरीके से क्या हुआ, ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, ये तो हो गया, बट मुझे इसके ऊपर ये जो लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं ना, वो मुझे यहाँ पे विजिबिलिटी में नहीं चाहिए। ओके, तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो लाइटिंग वाला ऑप्शन है CC सिलेंडर के अंदर, लाइट का ऑप्शन, वहां पे जो लाइट इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कर दूंगा 0। प्लस जो उसके बाद शेडिंग का ऑप्शन है CC सिलेंडर के अंदर, वहां पे एम्बियंट का जो ऑप्शन है वहां पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 80, ताकि मेरा एक्चुअल टेक्स्ट अभी क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विजिबल हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया, अब कंपोजिशन को, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये हो तो रहा है बट मोशन कंटिन्यू है, मुझे थोड़ा फ्लाइंगनेस दिखाना है, इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन लेके आना है। ठीक है, तो पोजिशन तो हमने डिफाइन कर दिया है, बट इसके जो मूवमेंट होने चाहिए उसके अंदर वेरिएशन लाना है हमें,
तो उसके लिए जो हमारा सीसी स्क्रीन है अपना रोटेशन वाला प्रॉपर्टी उसको ऑन करेंगे और यहाँ पे आपको तीन रोटेशन मिलेंगे एक्स वाई और जेड में। अब बाय डिफॉल्ट हमारा लेयर अभी भी 2D में है ये समझ लो, तो इसे ही कहते हैं स्मार्ट टेक्निक की एक इफेक्ट को यूज करते हुए हम हमारे 2D ग्राफिक्स को या 2D टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3D एनिमेशन या 3D मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना, मैं स्टार्टिंग में जीरो नंबर की फ्रेम पे यहाँ पे चला आता हूँ और यू करके यहाँ पे इसका कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला जो प्रॉपर्टीज इन तीनों प्रॉपर्टीज को क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। अब मैंने अपने ट्रायल और एरर के बेस के ऊपर ये वैल्यूज डिफाइन किए हुए हैं, आप अपने हिसाब से कि आपके ग्राफिक का विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए उस हिसाब से आपको वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स पे सबसे पहला जो मेरा वैल्यू दे देता हूँ -14, वाई पे मैं मेरा वैल्यू देता हूँ रोटेशन का 32 और जेड डिरेक्शन में जो मेरा रोटेशन का वैल्यू रहेगा वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ 174 के आसपास। तो ये वैल्यू यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस करता हूँ तो जो हमारा पोजीशन का मिडल की है वहां पे अभी हम जंप कर लेते हैं यहाँ पे और वहां पे वापस क्या करेंगे, हम सीसी सिलेंडर के अंदर जो रोटेशन है उसके कीज वापस अप्लाई करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ -11 एक्स रोटेशन के लिए, वाई रोटेशन के लिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ -9 और जेड रोटेशन जो है उसके लिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ 70 समथिंग। तो ये मैंने 70 वाला कुछ वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। तब देखो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर विजिबिलिटी में आ रहा है सेंटर पे। सेम चीज क्या करेंगे, अभी लास्ट वाली की के ऊपर हम यहाँ पे चले जाएंगे और मैं यहाँ पे अपने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्स रोटेशन का वैल्यू दे रहा हूँ 184, वाई रोटेशन का मैं वैल्यू दे रहा हूँ 114 और जेड रोटेशन का मैं वैल्यू दे रहा हूँ -257। तो कुछ मैंने यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब जो हमें सीसी सिलेंडर की रोटेशन प्रॉपर्टीज को जो कीज दी उन सारी कीज को हम सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके उसको इजी इज में कन्वर्ट करेंगे, वापस चलेंगे ग्राफ एडिटर के अंदर, सेम जो हमने पोजीशन के लिए ग्राफ को एडिट किया था वैसे ही बिल्कुल ग्राफ क्या कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे भी एडिट कर रहा हूं ताकि एक हल्का सा मुझे क्या मिले, मोशन मिले और इस तरफ मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं ताकि मुझे यहाँ पे हल्का सा ज्यादा स्टेडीनेस मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एनिमेट कर दिया है बेटर तरीके से। अब मुझे क्या चाहिए, साथ में इसको, ये ऑलरेडी 3D में मोशन होने लगा है, रोटेशन भी 3D के हिसाब से दिख रहा है बट फील कराना है इस लेयर के ऊपर जो हमारा बैकग्राउंड लेयर उसके ऊपर 3D का फील भी कराना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक शेडो जनरेट कर सकते हैं स्मार्ट वे पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे हम लेयर स्टाइल के अंदर और यहाँ पे हम चूज करेंगे ड्रॉप शेडो। तो जैसे ही आप ड्रॉप शेडो चूज करते हो देखो आपको यहाँ पे नीचे ये मिल चुका है बट हमें थोड़ा डिस्टेंस जनरेट करना है क्योंकि इसके ऊपर एकदम नजदीक से जा नहीं सकता क्योंकि 3D में रोटेट हो रहा है। तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस होगा तभी ये प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, अगर रियल लाइफ में समझेगा तो डिस्टेंस होगा तो ही वो रोटेट हो पाएगा, अदरवाइज वो उसको टच कर लेगा तो वो शायद वहां पे रुक भी सकता है। ठीक है ना, तो वही चीज है। तो हमें डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप शेडो में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो डिस्टेंस का वैल्यू है हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब आप डायरेक्शन अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हो, आप अपना जो भी डायरेक्शन वैल्यू बताना चाहो क्या कर सकते हो यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं सपोज यहाँ पे थोड़ा इसको पीछे की तरफ इस हिसाब से मैंने वैल्यू दे दिया है। प्लस उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका साइज का वैल्यू है वो भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो। तो मैं सपोज यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 7 का। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे अच्छा खासा 7 का वैल्यू दे दिया। ये सॉफ्टनेस डिफाइन करेगा एज इसको आप देख रहे हो। ठीक है, तो इतना ठीक है, 10 सही लग रहा है मेरे को। तो ये मेरा ड्रॉप शेडो यहाँ पे जनरेट हो चुका है बट इसका ऑपेसिटी बहुत ज्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट कुछ हम लोग कर देंगे ओके 34 के आसपास, इट्स लुक बेटर। तो भाई ये यहाँ पे ये भी हमारे लिए क्या हो गया, जनरेट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छे खासे तरीके से एनिमेट करो, देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन कैसे जनरेट हो रहा है। अब देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा टेक्स्ट फ्लाई होते हुए अंदर आ रहा है और फिर स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो बहुत ही स्मूथ और ब्यूटीफुल एनिमेशन हमारा फ्लाइंग टेक्स्ट एनिमेशन हो रहा है जिसको हमने 2D मोशन से 3D मोशन में कन्वर्ट किया है। अब जैसे हमने कहा ग्राफिक्स को भी आप चूज कर सकते हो, तो स्मार्ट वे है, मैं टेक्स्ट वाले लेयर में वापस जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ग्राफिक्स है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तो देयर इज वन बॉक्सर ओवर हियर। तो अब मुझे क्या करना है, टू बी फ्रैंक मैंने ये लेटेस्ट में ही इसको यूज किया है एक सोशल मीडिया वेब के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए, जहां पे उनके जो अंडरगारमेंट्स थे और उनके जो मेंस वेयर थे उसके लिए हम लोगों ने ऐसे ही फ्लाइंग वाला कुछ एक एनिमेशन अच्छा खासा जनरेट किया था। सो वही तीन चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नो डाउट पूरी की पूरी नहीं बट जो टेक्निक हमने यूज की थी वही चीज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो
यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी टेक्स्ट लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ गाइस, और उसके बाद क्या करता हूँ, इसका प्रीकॉम्प यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ, ओके कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसका प्रीकॉम्प भी जनरेट कर दिया। अब क्या करना है, मुझे रिप्लेसमेंट करना है इसके साथ, इस बॉक्सर को डायरेक्ट टेक्स्ट के साथ मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता था, मुझे फिर से उसको कीज देनी पड़ती। तो ये स्मार्ट वे है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मेरा जो बॉक्सर वाला ग्राफिक सिलेक्टेड है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट करके ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर लाके रख देता हूँ। तो अब इसका रोटेशन आप ओपन करोगे तो देखो यहां से कीज चली गई है, ठीक है। रीजन इज दैट क्योंकि हमारी कीज के पास नहीं थी, जब हमने प्रीकॉम्प कर दिया तो उसके पास वो कीज नहीं थी। तो आप चाहो तो मतलब उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, या लेयर लाके सीधा सीधा क्या करते हो, यहाँ पे चेंजेस उस हिसाब से कर दो। तो यहाँ पे वापस इसका रोटेशन प्रॉपर्टी में ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ -270 बराबर, सेम चीज हम रोटेशन का की यहाँ पे दे दिया है, और आगे चले जाते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ कुछ 90, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। वापस चले आओ अभी यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट वाला लेयर हमारा यहाँ से हाइड कर देते हैं हम लोग, और मेन लेयर इसी पे रहेंगे। तो अब अगर इसको एनिमेट करोगे तो आपका ये बहुत ही बेटर तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। बट अभी एक चीज यहाँ पे और भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो उसका कुछ ग्राफिक्स यहाँ पे कट रहा है, तो मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ, इसका जो स्केल है ना मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो ये वेरिएशन आपको अपने हिसाब से लाने पड़ेंगे। तो अब देखो ये प्रॉपर तरीके, बट ये इतना फ्लैट नहीं होना चाहिए, कपड़े के अंदर थोड़ा वेवीनेस रहता है। तो जब मैंने टेक्स्ट को 2D से 3D में कन्वर्ट किया, इल्यूजन क्रिएट किया 3D मोशन ग्राफिक्स का, उस टाइम पे हमने उसको फ्लैट रखा था क्योंकि वो एज ए स्टिकर था, और स्टिकर का पेपर थोड़ा ठीक रहता है, उसमें वो वेवीनेस नहीं, बट कपड़ा हमारा पतला रहता है, उसके अंदर एक अच्छा सा वेवीनेस आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट कॉम्प को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और डिस्टॉर्ट में जाके हम लोग चूज कर लेंगे वेव रैप। तो जैसे ही आप वेव रैप डाल रहे, देखो एक अच्छा खासा इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अब अगर इसको प्ले करोगे तो आपको एक अच्छा खासा क्या मिलेगा, देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन इसका। तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, जैसे हमारा कपड़ा फ्लाई होके हो जाता है ना, वैसा ही ब्यूटीफुल सा क्या हो रहा है, हमारा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो बिल्कुल वही चीजें हैं, सिंपल टेक्निक, बट आप इस मल्टीपल वे पे यूज करते हुए अच्छा खासा ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो गाइस। सो आई होप इस ट्यूटोरियल में आपको अच्छी खासी चीज सीखने को मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड बाय।